आज मैं बना रही हूँ ब्रेड लज़ानिया, जो कि बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत मज़े का है, दावतों में बहुत ख़ास होता है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी, बहुत ही चीज़ी है। चले जी, हम जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले डाल रही हूँ ये लहसुन का पाउडर है, गार्लिक पाउडर, ये एक चम्मच डाल रही हूँ। एक चम्मच जो है मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। एक चम्मच नमक, नमक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए हो। कम पसंद करते तो आप कम लीजिए, ज़्यादा पसंद करते तो ज़्यादा लीजिए। एक चम्मच मैं इसके अंदर जो है जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, यानी कि अदरक का पाउडर। इसमें तकरीबन मैं जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें जो है वो डाल रही हूँ ऑयल। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए, और अगर आप आधा घंटा भी चाहें तो इसको रख सकते हैं, और बस हम 20 मिनट के बाद इसको जो है कुक कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम जो है चिकन को जो है इसके अंदर डाल के अब जो है इसको हम पकने देंगे। ढक्कन जो है हम पूरा कवर कर लेंगे और इसको, ताकि इसी के पानी में जो है और स्टीम में ये अच्छे से पक जाए। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये जो है पक जाएंगी, और उसके बाद का आगे का प्रोसेस करेंगे। चूल्हा बहुत तेज़ नहीं रखना है और ना ही बहुत स्लो, इतना कि ये जलने भी ना पाए। नॉन स्टिक है, जलेगा तो नहीं, लेकिन ये कि अपना पानी भी ये छोड़ सके। इसको हम थोड़ा और इसको पकने देंगे। साथ ही साथ हम इसकी जो है साइड भी तेज कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकने देंगे। अच्छा, चिकन को जो है इस तरह से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अब फोक की मदद से हम इसका रेशा रेशा कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से कर लें, इस तरह से देखिए बहुत आसानी से ये हो जाता है। हम दूसरे इसमें बॉल में खाली कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर 1 कप के करीब मैं जो है स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। ये बॉयल थे और पहले से रखे हुए थे, तो मैंने इसलिए इस तरह से ये डाल दिया है। इनको भी मिक्स कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें मायोनीज डाल रही हूँ। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि चीज़ का जायका फिर नहीं आ पाएगा अच्छे से, हमें चीज़ भी इसमें ऐड करनी है। ये इसलिए कि ताकि अच्छे से जब हम इसको जो है ब्रेड के अंदर डालें तो ये अच्छे से चिपका हुआ हो एक दूसरे से, तो वो बिखरे ना। देखिए 1 टीस्पून जो है मैं इसमें से कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें नमक का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना नहीं, क्योंकि हम जब चेडर चीज़ डालेंगे तो उसमें ऑलरेडी नमक होगा, चिकन में भी नमक था, तो बैलेंस करने के लिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो नमक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 1 कप के करीब मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ, और 1 कप के करीब इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सबको। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ब्रेड की स्लाइस ले रही हूँ, सैंडविच साइज की है ये, तो बड़ी स्लाइस ले रही हूँ मैं। इसको मैं बेल लूँगी। बेलने के बाद इसकी हम किनारियाँ काट लेंगे। बेलने से ये होता है कि अच्छे सी स्मूथ हो जाती है, और जब हम स्टफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि ये, इसको जब हम चिपकाते एक दूसरे से एक कबाब की तरह, तो ये बहुत अच्छे से हो जाती है। बस साइडों से हम इसकी किनारियाँ काट लेंगे। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप लोग जो है घर में ब्रेड क्रम्स बनाना चाहें तो मैंने रेसिपी दी है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें और उसके ब्रेड क्रम्स बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं घर में। अच्छा जी, मैं बीज के अंदर बस ये 1 चम्मच जो है जितना भी आपको भरना हो वो मैं इसके अंदर भर दूंगी, और साइडों पे देखिए मैं पानी लगा के गीला करके रख रही हूँ,
ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और चिपक जाए हमारा जब हम इसको बंद करें तो। अब बीज के अंदर देखें ये मैं इस तरह से मैं रख रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऊपर मज़ीद चीज़ डालना चाहे अगर मोज़रेला तो वो भी डाल सकते हैं अगर जिसको ज़्यादा पसंद हो, मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब थी। मैं इस तरह से ये देखें कबाब की शक्ल में इसको जो है बंद कर दूँगी, गोल एक बॉल बन जाएगा और इस तरह से एक एक करके सारे हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं डिश ले रही हूँ, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस किया है और इस तरह ये तकरीबन ये सारे बॉल्स हम भर देंगे ब्रेड के, और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस से जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आप लज़ानिया भी बना रहे होते हैं तो शीट के साथ तो उसमें भी हम पिज़्ज़ा सॉस का ही इस्तेमाल करते हैं। बस ब्रश की मदद से हम इसको फैला देंगे और बाकी के जो है हमारे वो इसके ऊपर रख देंगे। आप ऊपर तक भर सकते हैं इसको और इस पर भी हम जो है इसी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा के हम ब्रश की मदद से फैला देंगे। अब मैं एक कप मज़ीद ले रही हूँ इसको चेडर चीज़ और इसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बस यहाँ से हमारी टॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप वाइट सॉस भी डाल के ऊपर से डालें तो ये बहुत जूसी बनेगा, आप वो भी कर सकते हैं। ये थाल में आप रखें बहुत मज़े का लगता है और दावतों में तो स्पेशल है ये, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये और लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा अब थोड़े से मैंने देखे इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा में करते हैं या हम जो है लज़ानिया में करते हैं बिल्कुल इसी तरह से है। और ऊपर से देखे ये मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, आप जो है ये भी मैं एक कप डाल रही हूँ, आप चाहे इसे ज़्यादा कम जो भी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको हम कर देंगे बेक करने के लिए। अच्छा थोड़ा सा मैं देखे पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर, इसे कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब इसको हम बेक करने रख देंगे, हमें बेक सिर्फ इतना करना है कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए अंदर तक, जो है वो हमारा जो है सब कुछ हो जाए क्योंकि हर चीज़ तो पकी हुई है इसके अंदर, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें इसको ऊपर से कलर देना। देखिए हमारी मज़ेदार सी ये डिश तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से है, बहुत मज़े की है। देखिए मैं ऊपर वाली उठा रही हूँ, इसको थाल में रखेंगे तो जैसे बात है बीच में ये डिश बन जाएगी, आप एक साथ खा सकते हैं और दावतों में आप देखें इस तरह से करके निकाल के खा सकते हैं। इसको आप केचप के साथ किसी भी सॉस के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती हैं ये, ब्रेड के साथ जो है बहुत अच्छी जो लगती है, आप सैंडविच के तौर पे भी खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। अगर इसको ज़्यादा जूसी करना है तो आप वाइट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारी चिकन स्वीट कॉर्न सब इसमें नज़र आ रहा है, बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।